हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त रोज सुमित गहलावत। आज मैं ना आपको थोड़ा डीपली बताऊंगा कि 5 से 7 साल चलने के बाद एक्टिवा में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या दिक्कत नहीं आती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको तब मजा आएगा। और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, बड़ी से बिगर, बिगर से मोर देन बिगर बनती जा रही है। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। और अगर आप किसी बाइक का स्पेशल वीडियो चाहते हैं कि इसके बारे में पता चले कि अंदर क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं, कौन सा पार्ट सबसे पहले घिस जाता है, कौन सा पार्ट बाद में घिसता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आप कमेंट करके बता दीजिए आपको किस बाइक की वीडियो चाहिए, मैं उसी बाइक की वीडियो आपको बना के पेश कर दूंगा और आप उस बाइक से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बाइक आपके लायक है या नहीं है। और अगर आप हमारे पास आके बाइक खरीदना चाहते हो तो सेल परचेज का काम हमारा, आके खरीद सकते हो। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट स्कूटी के ऊपर आता हूँ। एक बार चेकआउट वीडियो, देन उसके बाद उसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या है, कौन सा मॉडल है, 125 बैटर है, 110 बैटर है। एक बार आप चेकआउट वीडियो देखिए, फिर दिखाते हैं आपको सारा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं होंडा का एक्टिवा 125। ये 125 सीसी इंजन में आता है। इसका जो व्हील बेस है वो नॉर्मल एक्टिवा से थोड़ा सा बड़ा होता है। जिन बंदों की हाइट बड़ी होती है उनके लिए स्कूटर सबसे बढ़िया रहता है, उनको हैंडल यूज करते वक्त उनके घुटनों पे पैरों पे नहीं लगता। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको हर एजेंसी वाला, हर यूट्यूबर, हर कोई स्कैमर वाला सबके सब बता देते हैं, लेकिन सच कोई नहीं बताता। एक्टिवा 125 कंपेयर टू वन एक्टिवा 110 सीसी, एक्टिवा 110 सीसी एवरेज ज्यादा देता है इसके मुकाबले, ये 125 सीसी में ये कम देगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा, इसकी इंजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उसका है। उसकी इंजन की लाइफ आपको कम से कम 50 से 60 हजार किलोमीटर चलने के बाद भी आपको टनाटन मिलेगी, बिल्कुल सेफ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती। इसका इंजन बहुत जल्दी बोल जाता है, ये हमारी हरियाणवी भाषा बोल जाता है। इसके अंदर कोई चीज जब खराब हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि बोल गई, इंजन बोल गया, पंखा बोल गया, टीवी बोल गया, ट्यूबवेल बोल गया, कुछ भी बोल जाता है तो हम उसको बोलते हैं खराब हो जाता है, बोल गया। तो आपकी स्कूटी, अगर आपने एक्टिवा 125 ली है, हो सकता है वो आपकी कंपेयर किसी दोस्त ने एक्टिवा 110 सीसी ली है उसके मुकाबले जल्दी ज्यादा बोल जाए। तो आपने अगर लेनी भी एक्टिवा है और आपने 125 सीसी ले ली है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, मैं आपको थोड़ा डीपली बता देता हूँ। पास आके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या एडिशनल चीजें मिलती हैं। इसके अंदर आपको मिलता है डिजिटल मीटर, इसके अंदर स्पीडोमीटर एनालॉग होता है लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो डिजिटल मिलता है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये आपको ऑन मिलेगा, ये आपको यहाँ पे टोटली डिजिटल मिलेगा। पेट्रोल का टैंक है वो भी आपको पता चलेगा कि कितने लीटर है, कितने लीटर नहीं है, सारा आपको ना डिजिटल मिलेगा। इसके नीचे 100 किलोमीटर लिखे रहेंगे। बस इसका फायदा क्या है, इसको इजीली कोई बैक नहीं कर सकता, सेल करते वक्त, परचेज करते वक्त आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, ना ही आप किसी के साथ कर सकते हो, ना ही कोई आपके साथ कर सकता है कि आपने लिया 2015 मॉडल है, चला हुआ 10,000 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो एक्चुअल चला होता है वही मिलता है, आपके साथ कोई चीट नहीं हो सकती। इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है, यहाँ पे एक पिन होती है इसको रिसेट करने वाली, अधिकतर एक्टिवा की वो खराब हो जाती है। ये पिन खराब होने के बाद इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये डिजिटल मीटर खराब हो जाता है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डिजिटल मीटर का, इन्होंने डिजिटल मीटर तो दे दिया लेकिन इसके अंदर ना वो खासियत नहीं दी कि ये खराब ना हो, रफ एंड टफ रहे। इसके मुकाबले एक्टिवा 110 सीसी खरीदोगे वो उसका मीटर आपको इजीली खराब नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका रेस का जो मीटर है वो पिछले टायर से रन करता है, पिछले टायर से इसका सुई ऊपर उठता है, अगले से नहीं उठता। ये कंपनी कहती है कि ये सर फीचर है, लेकिन हमें फीचर नहीं लगता जी, हमें तो नुकसान लगता है कि पिछले तार डिग्गी के नीचे से जाता है, अधिकतर क्रॉस होने के बाद वो कट जाता है या फिर कहीं नीचे से लग जाता है तो वो आपका मीटर चल ही नहीं पाता। दूसरी चीज है इसके अंदर सीट आपको एज पर एक्टिवा के हिसाब से थोड़ी सी चौड़ी मिलती है, हो सकता है जो चौड़ी लड़कियां उनके लिए हो या चौड़े लड़के उनके लिए हो, पता नहीं कंपनी ने क्या सोच के बनाया, हमें नहीं पता। इसका जो अंदर का बूट स्पेस है एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको, कितना चौड़ा मिलेगा, आपका हेलमेट अंदर आ सकता है नहीं आ सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्पेस एक्टिवा से 5 से 7 लीटर ज्यादा मिलता है। इसके अंदर आप हेलमेट के साथ अपने ग्लव्स या फिर लेडीज हैं कोई, वो लेडीज पर्स भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ ड्रॉबैक हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं। इसको ये फायदा है, एक इसका पेट्रोल टैंक है, उस पेट्रोल टैंक के अंदर आपको एज पर एक्टिवा 3 किलोमीटर या 3 लीटर तेल एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कंपनी ने लिखा हुआ है, बाकी डालने के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअल कंपनी बोलती है
कभी भी टैंक को फुल नहीं कराना चाहिए, उसको थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए, खासकर गर्मी के टाइम पे तो उसको कभी भी फुल नहीं कराना चाहिए। आप कभी भी एक्टिवा खरीद रहे हैं तो आपको ना, अगर पुरानी खरीद रहे हैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जब आपने स्कूटी ली है अगर उस पर एसेसरी नहीं लगी हुई है, एसेसरी आती है 700-800 हज़ार रुपये तक में, बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में एसेसरी मिल जाएगी आपको। जो बोलते हैं स्टील वाली गारंटी वाली, वो एसेसरी खरीदो, इस पर जंग नहीं लगता। एसेसरी लगने के बाद आपकी स्कूटी साइड से गिरती है, भिड़ जाती है तो सेफ हो जाती है। अगर साइड के पल्ले में यहाँ पे एसेसरी लगी हुई है, अगर गिर जाती है इस साइड से तो गिरेगी, उस पर स्क्रैचेज आएंगे तो एसेसरी पे आएंगे, आपकी स्कूटी सेफ हो जाएगी। एसेसरी 1000 रुपए की है, आपका एक साइड का पल्ला ही 2000 रुपए का है। अगर आपको पेंट कराना पड़ गया या फिर डैमेज हो गया तो, अगर आपकी लाइट को भी सेफ्टी देता है ये, अगर आप इस पर एसेसरी लगवाओगे। अगर एसेसरी नहीं लगवाओगे तो स्क्रैचेज लगेंगे, स्क्रैचेज लगेंगे पेंटर के पास जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तीनों के तीनों चीजें लगेंगी। ये हमारे पास जो स्कूटी है 2015 मॉडल है, इसका कैश प्राइस रिवील कर देता हूं मैं साथ के साथ। ये आपको दे देंगे जी 27,000 रुपए की। अगर आप इस पे लोन कराना चाहते हो तो आपको मिलेगी ये 10-12 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट के अंदर मिल जाएगी, बाकी के पूरे पैसे किस्तों के अंदर ले लेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और एटीएम। एटीएम बहुत सारे आदमी साथ के साथ नहीं लेके आते, तो उनसे रिक्वेस्ट है एटीएम जरूर लेके आओ। विदाउट एटीएम हम आपके अकाउंट को मैंडेट नहीं कर पाएंगे, और विदाउट मैंडेट आपकी किस्तें आपके अकाउंट से नहीं कटेंगी। इस केस में आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। इन चीजों का ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा अकाउंट कैरी कर पाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में अगर कोई लोन कराना तो इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, ड्रॉबैक कि इसको लेने का नुकसान क्या है। एवरेज इसका नुकसान है, दूसरा इसका मेंटेनेंस एज पर एक्टिवा 110 cc ज्यादा है, बाकी ओवरऑल देखा जाए महंगी आती है, ये नहीं आती है 1 लाख से ऊपर की एक्टिवा 110 cc आ जाती है आपको 90,000 रुपए की। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्कूटी लेनी है, कौन सी स्कूटी नहीं लेनी है। तो दोस्तों मैंने आपको मिला जुला रिस्पॉन्स बता ही दिया कि कैसी स्कूटी है, कैसी स्कूटी नहीं है, कौन सी आपको लेनी है, वो आपका डिसीजन रहेगा, हम सिर्फ राय दे सकते हैं। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है, एक मिनट, फोन आ रहा है, एक एजेंसी से फोन आ रहा है, देखते हैं कि क्या काम है। हेलो, हाँ जी, ओके ठीक है, कौन सा मॉडल, 15, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ, आ जाना साथ के साथ। आपको ना वीडियो को एंड नहीं करते, थोड़ा और बड़ा करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बाइक लेने जा रहा हूँ प्लेटिना, और एजेंसी में बताऊंगा कि क्या बातचीत रही, क्या कुछ रहा, जितना पॉसिबल होगा उतना आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, अंदर का भी बाहर का भी। एक बार सीधा आपको अब एजेंसी का सीन दिखाते हैं, मैं एजेंसी के लिए निकल रहा हूँ, कंटिन्यू रहना आप। दोस्तों आज मैं एक बाइक देखने जा रहा हूँ एजेंसी के अंदर, वहीं पे उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे, वहीं पे हाथों हाथ आपको खरीद के दिखाऊंगा कि कितने रुपए की बाइक मिलती है, कैसे मिलती है, क्या कुछ मिलता है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, शोरूम से निकल रहा हूँ जाने तक का वीडियो बनाऊंगा, शोरूम के अंदर की सारी बातचीत दिखाऊंगा, पूरी वीडियो देखना आप। हाँ कमल, एजेंसी में पहुंच गया, टीआर वाले में है। हाँ विक्की, हाँ हाँ कोई नहीं, वे भी ले ले, हीरो एजेंसी में जा गए, मनीष से मेरी बात करा दिया, वो बता दिया किसका कागज लेने। ये है दोस्तों हमारी बजाज की एजेंसी, ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंच गए हैं। दो हजार 15 मॉडल प्लेटिना है, मिंट कंडीशन में है, 27,000 किलोमीटर चली हुई है। किसी भी व्हीकल को लेने से पहले जो चीजें देखते हैं वो उसके टायर देखते हैं, पेपर देखते हैं, पेपर सारे ओके हैं, देन देखते हैं चेसी के पार्ट, कहीं से चेसी डैमेज तो नहीं है, लेकिन सारी चीजें ओके हैं, कस्टमर ने मिंट कंडीशन में ही रख रखी है, और साउंड माउंड बिल्कुल सब कुछ बढ़िया आ रहा है, 100 cc में है, इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन भी है, आरसी भी, कस्टमर की 3 आइडिया, सारी चीज हाथों हाथ मिल गई है। ये पता नहीं क्या लगवा रखा भाई कस्टमर ने, हो सकता है ये इस पे ऐसे लगवा रखा हो। चलो फाइनली
इसको लेके पहुंच रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा अंदर डील करने का। मैं अंदर का सीन आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि एजेंसी वाले थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आप हमें फेमस करोगे, तो हम नहीं करेंगे भाई आपको फेमस, हम ही खुद फेमस हो जाएंगे। देखते हैं क्या सीन रहेगा, शोरूम पे चलते फिर बातचीत करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों बाइक हम परचेज कर लाए हैं, वहाँ पे मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाया शोरूम में, शोरूम वाले थोड़े शर्मा रहे थे कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, मैंने आपको लास्ट में ही बताया था। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने काफ़ी आपको दिखाया हमारी बातचीत, स्कूटी को भी दिखाया, बाइक लेते वक्त भी दिखाया, ऐसी मिलीजुली वीडियो बना के आपको डेली के डेली पेश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर उनके स्कूटी लेनी है या देनी है, दोनों एक्सपीरियंस आप लोगों को पता चल जाएंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।